लोग 2002 स्टूडेंट 2023 में पास कर गए हैं और उनके एज 18 है, फिर भी वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि उनका 2022 में जो है अगस्त महीना में उनका डेट ऑफ बर्थ भी पूरा हो जाना चाहिए। विल पास का मतलब आपने कहीं से ये मेंशन नहीं किया है सर कि ये जो 12 पास होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, ये क्लियर नहीं करा है। सिर्फ आपने क्या करा है, आपने ये करा कि 12 पास होना चाहिए। चलिए, जब पास होना चाहिए तो इसमें तो आर्ट्स वाले भी आते हैं, कोई भी सरकार है तो सरकार यही चाहती है कि आप बेरोजगार रहो। बेरोजगार रहोगे तो रैलियां सभाएं जो हम करेंगे हमारे पीछे लाठी डंडा लेके घूमोगे आप, ठीक है? नहीं, अगर आप रोजगार में हो गए, आप सेट है, कहीं पे काम कर रहे हैं। जय हिंद, दिस इज विक्की मिश्रा। तो कहा जाता है कि जो बड़े गलती करते हैं उनकी खमियाजा उनके छोटों को भुगतना ही पड़ता है, और जो गलती माता पिता करते हैं उसकी खमियाजा भी उनके बच्चे को भोगना पड़ता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार में बिहार पुलिस का फॉर्म आया 22,391 सीट की वैकेंसीज है, लेकिन इसमें एक बात फर्स्ट ऑफ ऑल कही गई है, वो ये बात है कि जो लोग जो स्टूडेंट 2023 में पास कर गए हैं और उनका एज 18 है, फिर भी वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि उनका 2022 में जो है अगस्त महीना में उनका डेट ऑफ बर्थ भी पूरा हो जाना चाहिए और उनको पास भी 2022 में होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए और ये गलती किसकी है, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार में सरकार किसकी अच्छी तरह पता है। अब बताइए कि जिसके पास 84 सीट है उनकी बात ज्यादा वैलिड रहेगी कि जिसके पास 40 सीट है उनकी बात ज्यादा वैलिड रहेगी? आप सोच के खुद समझदार हैं, समझ के बताइए। अब इकलौता हम ही हैं जो यूट्यूबर कह लीजिए या न्यूज वाला कह लीजिए, या अब एक बात तो क्लियर बता देते हैं, हेड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस स्पेशली इन बिहार, क्योंकि बिहार में जो चलते हैं ना ओनली क्या चलते हैं, जातिवाद चलते हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ और बिहार के राजनीति से मुझे नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि माता पिता और बड़े जो होते हैं, जो एज एक्सपायर वाले लोग हैं, वो सिर्फ जाति गोतियाँ ढूंढते हैं। उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, क्या खामियाजा हो रहा है, ये कोई नहीं जानता है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लो, मैट्रिक से बुरी हाल है, चाहे वो स्कूटनी रिजल्ट हो, कंपार्टमेंटल हो, या फिर 35 दिन में रिजल्ट देने का रिकॉर्ड तो बना, लेकिन कितना घटिया रिजल्ट आ रहा है ये शायद आप लोग को अंदाजा नहीं है, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। एज ए टीचर अगर बात करें तो कॉपी जिसका हम खुद जांच किए, अगर उसके रिजल्ट के साथ छेड़खानी होता है तब तो कतई हम मान नहीं सकते हैं कि सही रिजल्ट आपके आ रहे हैं। क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक बात और है, क्योंकि आपने तो सरकार में जो आ रहा है, जिसको आ रहा है, जाति गोतियाँ समझ के आप उस पर मोहर ठोक दे रहे हो, लेकिन यही सरकार आपके बच्चे के साथ क्या कर रही है, कौन से जुल्म ढा रही है, ये आपको पता नहीं है। तो चलिए, कुछ लाइनें चंद हमारे पास है, हम इसको क्लियर करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में ही कि जो बड़े गलती करते हैं उनके खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब जिसका एज 25 पार हो गया, हो सकता है कि आप घर के अपने बड़े भाई हो, आपके छोटे भाई या बहन कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार है जो 2023 में पास आउट हुए हैं, लेकिन वो बिहार पुलिस के फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि सरकार के कहने के जो 2022 में जिसका एज क्लियर है वही फॉर्म भर सकता है, और जिसका एज तो ठीक है और जो 22 में पास हुए उसी को तो 23 में वाले क्यों ना, क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी ये क्लियर किया है ना कि जिसका एलिजिबिलिटी आपने ये रखा कि इंटर पास होना चाहिए। हाँ, इंटर पास पे रिटर्न एग्जाम कौन पागल लोग क्वेश्चन से सेट करता है, इस पर भी हम चर्चा। क्या आप जानते हैं कि आप फेल होते नहीं, आपको फेल किया जाता है? हम जानते हैं कि जाति गोतियाँ, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े मुंह वाले लोग सीट को बेच करके इधर उधर सेटिंग करके जय जय सियाराम कर देते हैं सीट को, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, जो वर्कआउट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हक बनना चाहिए ना। तो वो काम आप करने नहीं दे रहे, कम से कम फॉर्म भी भर रहा है, अपने अंदर की पावर को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है, कम से कम फॉर्म में बैठने दिया जाए, एग्जाम हॉल में बैठने दिया जाए ताकि हम जान सकें। लेकिन ये भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने गलत आदमी को चुनाव कर लिया है, और गलत आदमी के चुनाव, क्योंकि जिसके पास खुद एजुकेशन होती है वो एजुकेशन के महत्व को समझता है, जिसके पास इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। कोई आप लोग ट्रेंडिंग न्यूज एक देख रहे हैं कि रवि किशन अपने बेटी को बिहार पुलिस ज्वाइन कराए, लेकिन कितने पॉलिटिशियन का अगर रवि किशन का नाम हम माइनस कर दें तो आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो हमें प्रूव कर सकता है कि रवि किशन को एक माइनस कर दीजिए, बाकी हमको 5 गो नाम पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिए जो कोई भी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस में, कोई पुलिस फोर्स में ज्वाइन करा हुआ एक भी पॉलिटिशियन का। आपके बिहार में ही बात करते हैं, 9 बेटी हैं लालू प्रसाद यादव जी की, एक का भी नाम बता दीजिएगा कि विधायक और सांसद छोड़ के कुछ और बनी हो, कोई है मंत्री छोड़ के कुछ और बने हो, बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बेटियों में बस यही दोनों बेशुमार हैं।
एक उधर किसकी बेटी, रवि किशन की बेटी, और बिहार में अपने लालू जी की बेटी। नौ बेटी हैं और नौ की नौ या तो सांसद है नहीं तो विधायक है। यहाँ तक कि अब इनके नौ दामाद भी या तो सांसद है या विधायक है। हम किसी राजनीतिक द्वंद से नहीं बोल रहे हैं, और खासतौर से मैंने बताया कि हमें किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का कोई साठगांठ नहीं है, और ना ही हम कोई राजनीति बात करने आए हैं। सच्चाई है, सामने कह के जा रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि हम बुरे बोल रहे हैं तो उसके लिए हम क्षम्य हैं, और हम माफी मांग रहे हैं कि आप लोग, हो सकता है कि कुछ हमारे शब्दों को किसी को बुरा लग भी जाए, लेकिन हम किसी को तकलीफ पहुंचाने या नहीं आए हैं। अब दूसरा चीज, दूसरा मैटर, हम यहाँ पे चलिए बहाली के लिए फॉर्म भरने के तो मौका आप नहीं दिए, लेकिन सर आपसे एक बात पूछना चाहता है, हर बिहार का विद्यार्थी पूछना चाहता है कि जब आपने एलिजिबिलिटी जो आपने रखा है, निर्धारित किया है आपको, मैंने पहले कुछ देर पहले एक शब्द बोला था कि आप फेल होते हैं ना, आपको फेल कराया जाता है। आई कैन प्रूव इट, जस्ट वॉच दिस विद योर टैलेंट। हम प्रूव कर सकते हैं, मैथ वाले हैं, आई एम द मैथमेटिशियन एंड आई कैन प्रूव इट, जस्ट वॉच इट। तो आपने एलिजिबिलिटी बाबू रखा है, मतलब बाबू तो नहीं कहेंगे, सर माननीय, गणमान्य है आप, आपने एलिजिबिलिटी क्या रखा है, 12th पास। ओनली पास शब्द का बड़ी खास महत्व है यहाँ पे। 12th पास का मतलब आपने कहीं से ये मेंशन नहीं किया है सर कि ये जो 12th पास होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, ये क्लियर नहीं करा है। सिर्फ आपने क्या करा है, आपने ये करा है कि 12th पास होना चाहिए। चलिए, जब पास होना चाहिए तो इसमें तो आर्ट्स वाले भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी आते हैं, दोनों आते हैं ना, साइंस वाले भी आते हैं। तो एक बात बता दीजिए हमें, जो आप क्वेश्चन एराइज करते हैं, जो क्वेश्चन आप एराइज करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में लाते हैं, वो 10th लेवल का होना चाहिए या 12th लेवल का। जो लड़का आर्ट्स से पढ़ा है उसको बताइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या जानकारी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे बगल में आपको नजर आ रहा होगा, गौर से देखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 11th का केमिस्ट्री, 12th का फिजिक्स, ये सब क्या है क्वेश्चन, जय समर्जी वहीं से डाल दीजिएगा। सब पागले हैं बिहार बोर्ड में, बिहार सरकार में कोनो एक ढंग का आदमी नहीं है जो क्वेश्चन का लेवल पकड़ सके। और कैसे कैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स जब तीनों के लिए है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन अरेंज कीजिए, कुछ ऐसा सिलेबस निर्धारित कीजिए जिससे बच्चे पढ़ करके एग्जाम में पास हो सके। आप फेल करने के लिए क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं। सब विद्यार्थी पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता, ये कारण किसी को, क्योंकि अब ये बात खुद हम 12th तक हम खुद पढ़ाते हैं तो मुझे अच्छी तरह आइडिया है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपने ऑफलाइन सेट में हम चला रहे हैं, तो ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्वेश्चन कहाँ से अरेंज किए जा रहे हैं, और क्वेश्चन आता है तो कहाँ से आता है, 11th, 12th, 9th, 10th किससे लेवल से आता है क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन आप 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन आप डाल दे रहे हो। जो आर्ट्स से लड़का फॉर्म भरा है वो बताइए एग्जाम पास हो पाएगा, आखिर वो आर्ट्स लिया तो कुछ सोच के ही लिया होगा। हो सकता है कि उसका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं होगा, हो सकता है कि उसको फिजिक्स कम समझ में आ रहे होंगे, हो सकता है कि उसको केमिस्ट्री कम समझ में आ रहे होंगे। तो आप क्वेश्चन 10 लेवल तक क्या करिए ना, करेंट अफेयर डालिए, ठीक है, बढ़िया चीज़ है, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो भी सेट कर रहा है, अगर पागल लोगों की एक बाजार खड़ा कर रखे हैं, जब उनसे नहीं हो पाता है तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ही दे दीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा 10 लेवल तक का ही किया जाए, ताकि आपको रिजल्ट में फेल करना है और फेल करके अपने जाति गोतिया को सेट करना है, या बड़े बड़े पेट वाले लोग को सेटिंग पे चलाना है, मतलब मान ले करके नौकरी लगाना है, तो ये करना, तो बहाली का ये नया जो ब्लैक कमेडी विद्यार्थियों के साथ करते हैं, ये कम से कम मत कीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन ऐसे लेवल से सेट कीजिए जिससे हर विद्यार्थी को ईजी लगे, हर विद्यार्थी कर सके कि हाँ चलो भाई वो क्वेश्चन देखे तो ये ना लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, बल्कि उसे ये लगना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए, मतलब पढ़ा लिखा, मेरा मतलब है कि पढ़ना लिखना मेरा सार्थक है, हमने जो पढ़ाई किया क्वेश्चन लाइक वैसे ही आए हैं। तो वैसे क्वेश्चन अगर करते हैं तो विद्यार्थी को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन अरेंज कर रहे हो उससे विद्यार्थी डीमोटिवेट हो जा रहा है। अब वो क्या करेगा भाई, जब एग्जाम में फेल होगा तो डीमोटिवेट होगा ही, डीमोटिवेट होगा तो समझिए कि समाज में असामाजिक तत्व बनेगा, असामाजिक तत्व बनेगा तो जो उसके माता पिता, जो बड़े भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं वो भी वही करेगा। तो आप तो यही चाहते हो ताकि सब लोग, देखो अब एक बात क्लियर कट यहाँ बता देना चाहते हैं, मैंने शुरू में भी बोला था, ये हेट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन एस्पेशली इन बिहार, हमें बिहार के किसी भी राजनीतिज्ञ से कोई लेना देना नहीं है। हम राष्ट्रीय लेवल पे किसी नेता को सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसको करते हैं नाम नहीं बता सकते हैं, बस हम काम का बात बताना चाहते हैं। काम का बात यही है कि कोई भी सरकार है तो सरकार यही चाहती है कि आप बेरोजगार रहो, बेरोजगार रहोगे तो रैलियाँ सभाएं जो हम करेंगे हमारे पीछे लाठी डंडा लेके घूमोगे आप, ठीक है, नहीं अगर आप रोजगार में हो गए, आप सेट हैं कहीं पे काम कर रहे हैं, बेरोजगार लोग इधर उधर, फालतू लोग ही तो इधर उधर रैली तैली किया करते हैं ना,
क्योंकि जिनके पास काम है उनके पास फुर्सत का है कि किसी नेता के पीछे भागते रहे। अबे तुम्हारा वो व्यवसाय है, तुम्हारा रोजगार है, हमारा रोजगार भी तो होना चाहिए ना। तो आपका रोजगार चलता रहे सर, ठीक है, और हमारा रोजगार ना चले, हमें जाति गोतिया में आप आपस में हमें लड़ा रहे हो। आपका यही चाल है, हम समझ रहे हैं सर, आपका यही चाल है कि आप जाति गोतिया में हमें लड़ा रहे हैं अपना रोजगार चलाने के लिए, हम बेरोजगार बैठे रहे बस आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ ये नेता बढ़िया है, वो नेता ये हमारा जाति का, वो हमारा गोतिया का है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं तभी तो किसी के बारे में दो चार शब्द बोलेंगे ना। अगर हम रोजगार में हम कुछ काम कर रहे हैं तो किसी कोई कौन क्या करता है क्या नहीं करता क्या फर्क पड़ता है, कौन कौन दल बना रहा है तो कौन कौन दल बना रहा है, हो गई हम तुम्हें फल तुले देखे। तो ये चीज़ है, और आप लोगों को फेल किया जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप अपने काबिलियत की वजह से या ना पढ़ने की वजह से फेल होते हैं। अगर हम 100 में से मान लेते हैं कि आप फॉर्म भरवाइएगा कितना, 10 लाख से तो कम फॉर्म इस पर नहीं जाएगा, 10 से 15 लाख के आसपास जाएगा। हम कम बता रहे बाबू, 20 लाख पार हो सकता है, 20 लाख फॉर्म इस पर पार हो सकता है, 20 लाख फॉर्म पार हो सकता है, लेकिन आप इस पर रिजल्ट जानते हैं 1 से 1.5 लाख तक दीजिएगा, बाकी सबको फेल कर दीजिएगा। हाँ अभी पास किसको करिएगा, जिसका जुगाड़ सेटिंग लगवा दीजिएगा उसी का रिजल्ट भी करवाइएगा, ये हम जानते हैं। फिर अगला आप वैकेंसी भी लेके आइएगा 5 साल बाद, ये भी हम जानते हैं, हो सकता है 10 साल पार हो जाए, ये भी हम जानते हैं। लेकिन चुनाव जब भी सभा होगा तो बोलिएगा कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, नहीं दीजिएगा। जब भी दीजिएगा तैसे ही सेटिंग पेटिंग कराइएगा, जब BPSC सुरक्षित नहीं, BPSC का पेपर लीक हो सकता है, जब सचिवालय का पेपर लीक हो सकता है, तो बिहार पुलिस किस खेत का मुरही है, इसको तो आप लोग यूं ही हवा में उड़ा दीजिएगा। और स्टूडेंट क्या समझता है कि हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे नेता वैसे हैं। अबे किसी का नेता कुछ नहीं होता है, किसी का नेता कुछ नहीं होता है, जस्ट वो लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, और वो लोग अपना रोजगार चला रहे हैं तुमको बेरोजगार करके चला रहे हैं। इसीलिए हम यही बोलते हैं कि जो भी माता पिता है, जो भी बड़े भाई बुजुर्ग हमें सुन पा रहे हैं, जो हमने बोला हमारे शब्दों पर जरूर अमल कीजिएगा, और हो सके तो आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे कारगर लोगों को जरूर ढूंढिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ जाहिल गंवार ना हो, जो आपके बच्चे का भविष्य को नरक में डाल दे जैसे कि ये डाला गया है। हम चाहते हैं अगर आप लोगों में से कोई हमें कमेंट करके ये बताने के लिए सक्षम है तो हम तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए। पहली बात ये सुनने के लिए तैयार है कि आखिर 12 जो पास किया है वो क्यों फॉर्म नहीं भरेगा 2023 में। आपको जब 2022 वाला कंडीशन था तो आपको फॉर्म ये 2022 में लेके आना चाहिए था, 2023 में नहीं लेके आना चाहिए था। आप लेके आए हैं 2023 में, वो भी जून जुलाई में लेके आए हैं, तो जून जुलाई तक ही, जून तक रखिए ना, नोटिफिकेशन भी आपने जून में दिया है तो जून तक रखिए, मई तक रख दीजिए हम मानते हैं, लेकिन 1 साल डिले नहीं मान सकते हैं ना, कभी नहीं। क्वेश्चन सेट आप इंटर पास जब रखे हैं तो क्वेश्चन 10 लेवल तक रखिए, 11, 12 से ना डाला जाए, क्योंकि इंटर पास करा है उसमें उसमें आपने ये नहीं बोला है कि साइंस चाहिए, आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, जब तीनों के लिए सामूहिक है तो क्वेश्चन 10 लेवल से होना चाहिए ना कि 12 लेवल से होना चाहिए। आपको फेल ही करना है तो डायरेक्ट भाई जुगाड़ लो पैसे, इतना पैसा दो ये नौकरी लो, ऐसा करिए, बहाली मत लेके आइए। आपको जब सेटिंग है फेटिंग है पे ये सब काम करना है, बहाली लेके आए तो एक प्रोसेस से चलिए, किसी की काबिलियत को समझने का प्रयास कीजिए, किसी की इस तरह काबिलियत और टैलेंट को आप यूं ही जाया नहीं जाने दे सकते हैं, ठीक है। इकलौता हम ही हैं जो इस टॉपिक पे, इस मुद्दा पे बात करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर सिस्टम के लोग, हर जितने भी हमारे यूट्यूब के मामले में भी देख लीजिए या मीडिया कर्मी भी है, जैसे बिहार के नामे जामे 2 टीचर का नाम हम लेना जरूर चाहेंगे, खान सर को ले लीजिए, बिपिन सर को ले लीजिए, बड़ी हस्ती है बिहार की, बिहार की ये बड़ी हस्ती है और बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े कहें कि इनका मतलब 4 मिलियन 5 मिलियन, खान सर तो 15-20 मिलियन के पास, 20-25 मिलियन के आसपास हैं खान सर, लेकिन किसी भी टीचर के मुँह से आप ये नहीं सुन सकते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ है। अब आप लोगों के सामने तो हम अपनी बात रख दिए, क्या हमने जो बोला उसमें से 1% भी अगर कुछ भी गलत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, लेकिन क्या ये खान सर को और बिपिन सर को इस पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर 2022 में आप फॉर्म नहीं लाए हैं, 2023 में लाए हैं, तो 2022 इसको लेके आना चाहिए, क्वेश्चन लेवल है। आप कुछ लोग का मतगणना होगा कि नहीं UPSC में भी तो ग्रेजुएशन पास होता है लेकिन PT का क्वेश्चन कहीं कहीं से पूछा जाता, तो UPSC बहुत टफ लेवल का हो गया, इंटरनेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है, ये बिहार पुलिस का है बाबू। हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, आप हाई लेवल का बात है मत बोलिएगा कि बैंक में भी तो क्वेश्चन बोला जाता है ये पास, और कहीं कहीं से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो बाकी चीज़ में और राज्य में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, राज्य पुलिस में और बाकी ये राष्ट्रीय पुलिस में। जब यूपी, जब आप दिल्ली CPO का देते हो तो कहीं कहीं से क्वेश्चन करते हैं, हम उस पर कभी शिकायत किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का होता है वो, लेकिन जो आपके राजकीय है उसको राजकीय बना कर रखिए ना, उसका लिमिट रखिए, ठीक है। बस हमारा तकलीफ बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।